मुंगेर जिले के तारापुर में शहीदों के सम्मान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तारापुर इकाई द्वारा 1000 फीट का भव्य तिरंगा यात्रा जुलूस निकाला गया। RS कॉलेज मैदान से तिरंगा यात्रा तारापुर नगर भ्रमण करते हुए शहीद स्मारक पहुंची। कार्यक्रम में बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। आपको बता दें कि 15 फरवरी 1932 को तारापुर के तत्कालीन ब्रिटिश थाना पर राष्ट्रध्वज फहराते हुए 34 क्रांतिकारी वीर सपूत शहीद हो गए थे। PM मोदी ने बीते दिनों में मन की बात में तारापुर के शहीदों के बारे में चर्चा करते हुए कहा था कि तारापुर के शहीदों के बारे में जितनी चर्चा होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही है। ABBP के ने तारापुर में हुए इस घटनाक्रम को जलियांवाला बाग हत्याकांड पार्ट 2 बताते हुए इसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां शहीदों के बारे में जानकारी हासिल कर सके। पावर्ड बाय मंदी किचन इंडिया बिगेस्ट मल्टी प्रीमियम ब्रांड ऑफ फूड डिलीवरी। श्री इवेंट अ कंप्लीट इवेंट प्लानर। सर, तारापुर के शहीदों के सम्मान में ABBP द्वारा एक कार्यक्रम का कहना है। लगातार तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें पूरी तरह शहीदों का सम्मान के प्रति सम्मान का पूरा भाव है तारापुर ABBP के द्वारा और यहाँ के स्थानीय लोग पूरा जुड़कर उनके चीजों को सम्मान देने का काम कर रहे हैं। सर, जैसा कि नरेंद्र मोदी द्वारा भी इसका चर्चा किया गया था, सर इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा? हम लोग अभी इसके मूर्ति की स्थापना करेंगे, आगे पूरी तरह किस तरह इसको राष्ट्रीय धरोहर बनाया सकता है, ये सारी चीजों का काम करेंगे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तारापुर नगर इकाई द्वारा 15 फरवरी 1932 जो तारापुर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, 1932 को तारापुर के थाना भवन पर अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देते हुए यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों ने 34 वीर सपूतों ने अपनी शहादत दी थी। अभी हाल के दिनों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रम में कहा कि तारापुर, अगर हम आज़ादी की बात करते हैं और आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो तारापुर उसमें बढ़चढ़ का हिस्सा लिया था, मगर उनका चर्चा नहीं हो पाया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपना मांग करती है, माननीय प्रधानमंत्री जी इसे हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, इस चर्चे को, तारापुर के गोलीकांड को पाठ्यक्रम में चर्चा, गोलीकांड के चर्चा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। आज हम लोग जलियांवाला बाग कांड पढ़ते हैं, मगर उससे बड़ा कांड हमारे तारापुर में हुआ और 1932 को यूनियन जैक का झंडा उतार कर अपना तिरंगा लहराने वाले उन शहीदों को हम श्रद्धापूर्वक इस वर्ष 1000 फीट का भव्य तिरंगा यात्रा निकालकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। हमें गर्वान्वित है कि हम इस धरती पर जन्म लिए हैं। बहुत बहुत परिचय रोहित कुमार राज, विद्यार्थी परिषद प्रदेश का कार्य परिषद सदस्य। बताइए क्या कार्यक्रम था? आज का जो हमारा कार्यक्रम था वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम था, जिसके लिए हम लोगों ने 1000 फीट का भव्य तिरंगा यात्रा निकाला है यहाँ पे, और अब हमारा यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाला है। और ये इस कार्यक्रम को हम कई वर्षों से कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले आप सुने होंगे कि मन के बात के जरिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी तारापुर की चर्चा की है और उन्होंने भी माना कि तारापुर के शहीदों की जितनी चर्चा होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाई। तो हम लोगों का ये तिरंगा यात्रा निकालने का मकसद यही था कि ये एक संदेश यात्रा के तौर पर भी पूरा विश्व में ये फैलेगा और लोगों को ये पता चलेगा कि जालियांवाला बाग के बाद दूसरा सबसे बड़ा गोलीकांड यहाँ तारापुर में हुआ था और यहाँ के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे जो तिरंगा फहराते हुए यहाँ पे भारत माँ के जयकारा लगाते हुए यहाँ पे थाना भवन पे शहीद हुए थे, तो उन्हीं को हम लोग एक दिन याद करते हैं जो 15 फरवरी का दिन है, तो इस दिन हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। परिचय दें। मेरा नाम गौतम राजे, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। अब आप ऐसी ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।